एवरीवन, मैसेप डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, दैट एग्जैक्टली पैरालिसिस होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, और आपको अपनी बॉडी में जो चेंजेस आने शुरू होते हैं वो कैसे आने शुरू होते हैं, और आपको पता कैसे चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मुझे ये मेरे स्टार्टिंग के पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं। जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं लेकिन धीरे धीरे आते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, और वो धीरे 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 एक बड़ी बीमारी में रिजल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एक बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे, दैट इज़ पैरालिसिस। तो अब हम समझते हैं एक्चुअल में पैरालिसिस होता क्या है। जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, हमें पता ही नहीं होता हमारा ब्रेन क्या कमांड कर रहा है और हमारी बॉडी क्या एक्शन कर रही है, दोनों ही चीज़ आपस में मैच ही नहीं होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पैरालिसिस। अब ये होता क्यों है, थोड़ा सा सोचो कि हमारा ब्रेन हमें कमांड्स दे रहा है लेकिन हम वो काम नहीं कर पा रहे। चलो अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। सपोज दिस इज़ अ ब्रेन, ये हमारा दिमाग है और ये हमारी नसें हैं। तो ये जो हमारी नर्व सप्लाई है ये कहीं ना कहीं स्टक हो गई है बीच में किसी भी रीज़न से, चाहे वो क्लॉट है या फिर हमारी ब्लड सप्लाई, हमारा प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा। अब समझो जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगी। हमारा स्टमक है, हमें खाने की ज़रूरत है, खाना पेट में जा रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट ऑल्टर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होगा। तो एक चीज़ के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल कॉजेज आ गए ना बॉडी में, तो दैट इज़ द थिंग। अब समझो ये हमारा ब्रेन है, ये नर्व सप्लाई है, अब कहीं ना कहीं नर्व सप्लाई में कोई भी ऑल्टरेशन आ रही है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रही, तो क्या ब्रेन अपनी एक्टिविटी कर पाएगा, नहीं है ना। दिस इज़ द ओनली थिंग, ब्रेन अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। जब ब्रेन एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, ब्रेन बॉडी को कमांड ही नहीं दे पा रहा, तो हमारी बॉडी पैरालाइज्ड है, हमारी मसल्स वीक हैं। जनरली पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम हमारा क्लॉट तो राइट साइड है लेकिन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड है, मसल वीकनेस है, हम क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द फैक्ट, अगर हमारा क्लॉट हमारे राइट साइड में होगा तो हमारी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज्ड होगी, और अगर हमारा क्लॉट हमारा राइट साइड में होगा तो हमारी लेफ्ट बॉडी पैरालाइज्ड होगी। दिस इज वाइस वर्सा प्रोसेस। तो चलो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मुझे पैरालिसिस है। अब आपको पता कैसे चला मुझे पैरालिसिस है, डॉक्टर के पास तो आप बाद में गए हो ना, सिम्टम्स तो आपके पहले ही आ गए, डॉक्टर ने तो आपको टेस्ट से बता दिया कि चलो ये वाले टेस्ट करा लो, MRI करा लो, ECGs एंड ऑल ये सब करा लो, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ। उसके बाद और उससे पहले आपको कैसे पता चला कि आपको पैरालिसिस है, आप अपनी बॉडी के एक्शंस नहीं कर पा रहे हो, आप मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, आप ग्लास होल्ड करने जा रहे हो तो वो आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके हैंड में वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि आप सस्टेन कर सको, आप ग्लास को पकड़ सको या अपना हाथ ही सीधा ऊपर उठा सको, होती हैं ये चीज़ें। चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी काम ही नहीं कर रही है, मेरे फेस पे भी थोड़े से चेंजेस आ गए हैं, और आप डॉक्टर के पास जा चुके हो, डॉक्टर ने भी बता दिया अपना टेस्ट कि हाँ ये टेस्ट करा लीजिए, ये मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन आपको दे दी। चलो ठीक है, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, क्या आपने उसे एक भी बार पूछा कि ये मेडिसिन किस लिए हैं और ये क्या काम करेंगी? ये सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी मेडिकेशन का कोर्स करने से पहले, आपको पता तो होना चाहिए एक्चुअली में वो मेडिसिन कहाँ इफेक्ट करेंगी आपका। ठीक है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से आपकी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हुई, तो दिस इज़ अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम ब्रेन से स्टार्ट हुई है, बट क्या आपने डॉक्टर से पूछा कि मुझे पैरालिसिस कैसे हुआ है, मेरी कौन सी नर्व्स अफेक्ट हुई हैं, या फिर मुझे पैरालिसिस आखिर में पैरालिसिस किस किस वजह से हो सकता है और मुझे ये क्यों हुआ है, ये पूछा आपने? कभी कोई नहीं पूछता, बस जो मेडिकेशंस दी हैं वो ली और चल दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आगे से कोई भी मेडिकेशंस चलती हैं तो आपको एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए उस बारे में कि आपने वो मेडिसिन क्यों ली है और वो किस चीज़ के लिए है। ठीक है, मेडिसिन आप खा लेंगे, मेडिसिन से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है, अब जो हमारे ब्रेन की मूवमेंट्स जो रुक चुकी हैं, जो ब्रेन अपना काम भूल चुका है, उन चीज़ को वापस लेके आने के लिए, मतलब ब्रेन को अपना काम वापस से याद दिलाने के लिए कि हाँ ब्रेन को कमांड देने कि हाथ उठाना है तो हाथ उठाना है, ब्रेन को कमांड देने कि हाँ पैर घुमाना है तो पैर उठा के घुमा के जैसे भी रखना है, ये चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कौन करेगा, करेंगे तो आप ही, ऐसा तो नहीं है कि हाँ बस डॉक्टर ने दवाई दे दी और सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, उसके लिए आपको भी तो मेहनत करनी है। आप क्या कर रहे हो, मेहनत तो आपको करनी है, अल्टीमेटली शरीर आपका है, डॉक्टर ने तो दवाई दे दी, उनका काम खत्म। अब चीज़ें वो होती हैं जो आप करेंगे, तो आप क्या करोगे,
खुद से सोचो आप कर क्या सकते हो। अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ है जो आपको पता है, अगर आप चलो ठीक है एग्जाम्पल, आपको पता है कि मेरा ये हाथ नहीं उठ रहा, ठीक है, तो आप बैठ जाओगे अपना हाथ लेके, कुछ तो करना है ना, अपनी मूवमेंट आपको वापस लेके आनी है। डॉक्टर्स ने अपनी मेडिसिन दे दी, उनका काम खत्म हो गया। आपको पानी का ग्लास उठाना है, आप नहीं उठा पा रहे, जिंदगी भर तो आपको कोई नहीं उठा के देगा ना, कि आप चलो कोई भी है आपके पास, आपके बेटे, आपका फैमिली कोई भी है, वो तो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, आपको खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंजरी आपको ऐसी हो जाती है, कोई भी बहुत ड्रास्टिक डिजीज हो जाती है, तो कभी भी पैनिक नहीं करना, कभी भी डिप्रेस नहीं होना। ऐसा होता है कि जनरली हम सोचते हैं, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनको लगता है अब हम चल नहीं पाएंगे, अब हम घूम फिर नहीं पाएंगे, अब हम कैसे उठेंगे, बेड से कैसे उठ पाएंगे, तो यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ आपको ओवरकम करनी है ना, यही तो चीज़ें हैं जो आपको ओवरकम करनी है कि हाँ मुझे बेड से उठना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें, आपकी विल पावर एंड आपकी डेडिकेशन, ठीक है। नंबर वन विल पावर, नंबर टू डेडिकेशन, कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपनी मूवमेंट्स वापस लेके आनी है। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल थिंग क्या है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिकेशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर एक्सरसाइजेस। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उन एक्सरसाइजेस का आपकी लाइफ में आपकी डिजीज़ को लेके क्या रोल है, और वो एक्सरसाइज ढंग से तरीके से कैसे करनी है। अब जो एक मेजर टास्क आता है जो जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स फेस करते हैं, वो होता है उठ के अपने आप अपने पैरों पर चल पाना। ये बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है जो सब फेस करते हैं, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो समझ सकते हैं कि हाँ वो नहीं चल पाते, और ये ना चल पाना उन्हें बहुत डिप्रेस करता है, उन्हें बहुत ही मतलब डीमोटिवेट कर देता है कि अब हम पता नहीं लाइफ में चल पाएंगे या नहीं। पर ये चीज़ ओवरकम तो आपको ही करनी है, तो आपको कोशिश करनी है, बिना कोशिश करे कुछ नहीं है, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, खाली दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा। चलो अब हम समझते हैं दवाइयाँ और एक्सरसाइज, इन दोनों का कॉन्सेप्ट। दवाई खाई, दवाई क्या क्योर करेगी, आपकी नर्व सप्लाई जो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से, जिस नर्व की वजह से क्लॉटिंग हुई है, और वो नर्व के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चेंजेस आए, कितना डैमेज हुआ है और क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो चीज़ चलो हमारी दवाई ठीक कर देगी। बट अब नाउ कम एक्सरसाइजेस, व्हाट विल एक्सरसाइज डू, एक्सरसाइज क्या करेगी, जो आपकी मूवमेंट्स हैं, जो आपके रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो चुके हैं, जो आप असिस्ट करके किसी के सहारे से जो मूवमेंट्स करो, वो सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, एक्सरसाइजेस से। कोई भी आपको सहारे से एक्सरसाइज करा देगा, चलो आपका ये हाथ नहीं उठ रहा, आपको सहारे से एक्सरसाइज करा देंगे, लेकिन आप खुद सोचो कि वो सहारा आपके पास कब तक है और आपको कब तक चाहिए। अगर आपकी खुद की विल पावर और डेडिकेशन स्ट्रांग है, तो आप वो मूवमेंट खुद से करोगे। कैसे करोगे, चलो ठीक है समझते हैं ये वाला हाथ आपका बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, तो आप नहीं उठा पाओगे, आपका दूसरा हैंड तो ठीक है, पैरालिसिस में एक साइड की बॉडी अफेक्टेड है, तो आपका दूसरा हैंड तो ठीक है, तो ये वाला हैंड आपका पैरालाइज्ड है समझ, ये वाला तो एक्टिव है, इससे सपोर्ट लो और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। क्या परेशानी आई, कुछ मुश्किल आई, लेकिन जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो इस हैंड का सपोर्ट लेके ये वाला हैंड उठाया, सेम हम पैरों के साथ भी कर सकते हैं, तो अपनी राइट साइड का लेग से अपने लेफ्ट साइड के लेग को ऐसी, जैसे आपने हैंड्स उठाया है, तो नीचे सपोर्ट देके अपना पैर उठाने की कोशिश करो। ये नहीं सोचना कि ठीक है मैं ये मूवमेंट्स कैसे करूँगा, मुझसे पॉसिबल हो पाएगा, करूँगा या करूँगी, ये चीज़ें नहीं सोचनी है आपको, बस अपना मेंटली यू नीड टू बी स्ट्रांग, आपको ये करना है, आपको ये सोचना है, और आपको डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखनी है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। अब ऐसे ये वाली मूवमेंट हो गई, चलो सपोज ये वाली मूवमेंट तो मैंने बता दी कि आप इस वाले हाथ का सहारा लेके ये तो कर लोगे, दूसरी मूवमेंट क्या, ये वाला हैंड उठा के लाइक दिस, ईजी, कोई मेहनत का काम थोड़ी ना है, आप आराम से बैठे हो, ये हाथ आपका ऐसे नहीं उठ रहा, चलो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा है, थोड़ा बहुत भी उठ पा रहा है, थोड़ा बहुत उठ पा रहा है, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा असिस्ट करके इस हैंड को पूरी की हम रेंज लाएंगे। लेकिन अगर चलो सपोज बिल्कुल ही नहीं उठ पा रहा है, आप बेड से उठा ही नहीं पा रहे हो, तो भी तो आपका ये वाला हैंड एक्टिव है, इस वाले हैंड का पूरा सहारा लो और अपनी एल्बो मोड़ने की कोशिश करो। लेकिन देन अगेन सेम पॉइंट, जब तक नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा कि हो पा रहा है या नहीं, जब करना शुरू करोगे तो आप मेंटली स्ट्रोंग होगे कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरी ये मूवमेंट वापस आ रही है। अब चलो ये वाले मूवमेंट समझते हैं, अब ये वाले मूवमेंट कैसे करेंगे। सपोज आपने एक वॉल पे या फिर कोई भी कवर्ड में या कोई भी अलमीरा में एक रस्सी बांध ली, और उस रस्सी को ऐसे पकड़ लिया, और अपना हाथ उसकी हेल्प से ऐसे उठाएंगे, दिस इज ऑल्सो ईजी। करना क्या है, हमें अपनी मूवमेंट ही तो करनी है, हमें अपना हाथ ही तो उठाना है,
तो ऐसे उठा लो, ठीक है। तो कभी भी अगर लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी आपको ऐसी डिजीज हो जाती है, तो उस चीज़ को सोचना नहीं है, उसे लेके बैठना नहीं है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप अपना काम करिए। डॉक्टर्स जो अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, वो अपना काम करेंगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे सपोज ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ चाहिए ना। तो डॉक्टर्स का भी सपोर्ट चाहिए और आपको खुद का भी सपोर्ट चाहिए, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा, ठीक है। चलिए ओके देन, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और थोड़ी सी आप मोटिवेट हुए हो, कहीं ना कहीं मैं अपने वर्ड से आपको मोटिवेट कर पाई हूँ कि हाँ चलो ठीक है, अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो हम हार नहीं मानेंगे। बाकी आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, या आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्टली हमें मिल भी सकते हो। श्रेयास के डॉक्टर आपको नंबर वन तरीके से कंसल्ट करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, डाइट चार्ट, क्या क्या खाना आपको खाना है, क्या क्या हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आई होप, चलिए टेक केयर।